हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आपका अपना चैनल शेपर्स एडुकेशन। मैं आपका दोस्त, आपका मेंटर सीए मोहित तापरिया। आप मुझे अपना बड़ा भाई समझिए। आप में से बहुत लोग समझते भी आजकल मुझे मैसेज आते हैं, भैया ये चैप्टर करा दीजिए, भैया ये टॉपिक करा दीजिए। ऑनेस्टली बड़ा अच्छा लगता है, मजा आती है। अब जैसे कि मैंने आपको वादा कर रखा है, हमारी रीस्टार्ट सीरीज चल रही है। ये रीस्टार्ट सीरीज में हम लोगों ने सबसे पहले इकोनॉमिक्स के साथ स्टार्ट किया है, क्योंकि आप में से बहुत लोगों को इकोनॉमिक्स में बहुत तकलीफ हो रही थी, इसलिए हम लोगों ने इकोनॉमिक्स की सीरीज के साथ स्टार्ट किया है। साथ ही में हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के नोट्स भी बहुत लोगों तक पहुंचाए। आप में से कितने लोगों को इकोनॉमिक्स के नोट्स मिल गए होंगे, और जिनको नहीं मिले अभी तक, थोड़े से नोट्स प्रोसेस में है, हमें आपके ऑर्डर्स मिल चुके हैं, बहुत जल्द आप तक आपके नोट्स डिस्पैच हो जाएंगे। मैंने पहले भी कहा था, जब आप लोग पेमेंट करते हो उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि प्लीज थोड़ा टाइम दीजिएगा, एटलीस्ट 4-5 दिन हमें मिनिमम लगेंगे डिस्पैच करने में, फिर कुरियर वाला अपने जो टाइम लगाएगा दैट इज नॉट इन माई हैंड राइट, बट आप तब तक सब तक नोट्स पहुंचेंगे। हम जरूर से कोशिश करें सारे के सारे नोट्स जो हमने आपके लिए मेहनत करके बनाए वो आप तक जरूर से जरूर पहुंचे, राइट। अब जैसे कि मैंने कहा है, जो बच्चों को लग रहा है उन्हें टेक्स्ट बुक से पढ़ना है, कोई प्रॉब्लम नहीं गाइस, टेक्स्ट बुक इज ऑल्सो वेरी गुड। जिनको नोट से पढ़ना है, नोट्स हमने बहुत ही अफोर्डेबल रखे, हम आपको प्रिंट करवा के नोट्स आपके घर तक कुरियर करने को तैयार है। जिस किसी को भी नोट्स चाहिए वो शेपर्स एडुकेशन को उसके इंस्टाग्राम चैनल पे फॉलो कर सकता है। आपको मुझसे कोई भी बातें करनी है, कोई भी डाउट हो, आप आराम से शेपर्स एडुकेशन को फॉलो कर सकते हैं, या आप मेरी पर्सनल इंस्टाग्राम आईडी पे भी आ सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @mohitsir, SIRR, R1 2 राइट इनफ। चलिए, सो आज ऑलरेडी हम पीछे वाले सारे चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 11, 10, 9, 8 हम सब पढ़ चुके हैं। आज बारी है चैप्टर नंबर 7 पढ़ने की। ये सबसे इजीएस्ट चैप्टर है, बहुत ही जनरल टॉपिक है, बहुत ही बेसिक टॉपिक है। मैं चाहूंगा जब जब आप मेरे साथ इकोनॉमिक्स पढ़ो, आप कोशिश करो कि आपकी टेक्स्ट बुक या आपके नोट्स आपके जस्ट बाजू में, और आप साथ साथ में उसको लर्न भी करते रहो, क्योंकि अगर आप साथ में लर्न कर पाओगे तो वो आपके लिए ज्यादा फीजिबल, ज्यादा बढ़िया रहेगा। सो मेक श्योर आप साथ साथ में लर्न करिए। इस नोट्स के अंदर हमने आपको चैप्टर वाइज समरी दी है, और साथ ही में इसके नीचे आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, MCQs दिए हुए हैं, 1 मार्क के आंसर्स, 2 मार्क के आंसर्स, वो भी हमने आपको सब कुछ दे रखा है। ज्यादातर टेक्सचुअल मटेरियल्स हमने यूज किया है, क्योंकि टेक्स्ट बुक के बाहर नॉर्मली गुजरात बोर्ड में अलाव नहीं करते हैं, पेपर चेकर्स थोड़े से मार्क्स काट लेते हैं, इसलिए हमने ज्यादातर टेक्स्ट बुक का मटेरियल रखा है। नीचे क्वेश्चन आंसर्स में हमने जितनी डिटेल्स हम डाल सकते हैं हमने पूरी हमारी कोशिश कर रखी है। हम कोशिश करते रहेंगे, आपके फीडबैक्स हमें मिलते रहते हैं, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो हम तक पहुंचाते रहिए। हम जितना भी हो सकेगा आपके लिए अपनी मेहनत चालू रखेंगे, बट आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा सा प्यार बरसाते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, आपकी जो भी परेशानी उसका समाधान देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। जैसे कि मैंने वादा कर रखा है, अब ये सीरीज रुकने वाली नहीं है, लगातार डेली एक वीडियो आपके लिए आएगा रिगार्डिंग एनी स्पेसिफिक सब्जेक्ट। अभी मैंने इकोनॉमिक्स चालू कर रखा है, इसके साथ साथ में कुछ दिनों में स्टैटिस्टिक्स और अकाउंट्स के वीडियोज भी आपके लिए अवेलेबल करवा रहा हूँ, जहाँ पे मैं आपको पूरे के पूरे चैप्टर्स रिवाइज करवाने वाला हूँ, तो साथ बने रहिएगा। चलिए, सो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, That is all about population. Population क्या होता है, कैसा होता है, आज हम वो समझने वाले हैं। So, जब हम बात करते हैं population, हम सबको पता है कि इंडिया वैसे देखा जाए तो वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। कुछ दिनों पहले इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री हो गई है, एज पर ऑफकोर्स देखिए एग्जैक्ट सेंसस तो निकला नहीं है, बट एस्टिमेशन के हिसाब से, और अगर एस्टिमेशन को जाने दो, अगर हम पर स्क्वायर फुट वाइज निकाले तो इंडिया सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है, चाइना नहीं है। बट देखा जाए तो इंडिया में 150 करोड़ की एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है, अब 150 करोड़ की आबादी होने के कुछ कारण है। अब इंडिया में अचानक से, इंडिया जब आज़ाद हुआ था, हमारा देश जब इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 के अंदर, हमारी एस्टिमेटेड पॉपुलेशन वॉज 36 करोड़, राइट। कुछ पर्टिकुलर आंकड़े अलग भी कहते हैं, बट एस्टिमेटेड 36 करोड़ थी, और 36 करोड़ से पिछले 70 सालों के अंदर हम 150 करोड़ हो गए, यानी कि लगभग 5 गुना हो गए। तो ये 4 से 5 गुना का आंकड़ा कैसे बन गया? सो दिस इज बेसिकली पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। सो इंडिया में पॉपुलेशन का भड़ाका हुआ है, धड़ाका हुआ है भैया, दिस इज बेसिकली पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। क्योंकि हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से एक कारण था ये कि हमारी कंट्री के अंदर जैसे ही आजादी का युद्ध खत्म हुआ, रैया हमारी आजादी की लड़ाई खत्म हो गई, तो उसके बाद में हमारे यहाँ पे डेथ रेट धीरे धीरे कम होने लग गई। अब हमारी डेथ रेट दिन ब दिन कम होते जा रही थी, जो लोग आजादी के लिए मर रहे थे, जो अपनी जान गंवा रहे थे, जो शहीद हो रहे थे, उनका शहीद होना कम हो गया, तो हमारी डेथ रेट कम हो गई रैपिडली, और बट हमारी बर्थ रेट तो अभी भी चालू थी भैया,
अभी भी बर्थ रेट चालू थी, जो जो आजादी के टाइम पे हमारे नारे लग रहे थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये सारे नारे खत्म हो गए भैया, देश आजाद हो गया। बट देश की आजादी के आने के बाद में हमारी डेथ रेट कम हो गई, बट हमारी बर्थ रेट उतनी धमाधमी चल रही थी। अब इतनी सारी डेथ रेट रुकने के कारण और बर्थ रेट बढ़ने के कारण आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया की पॉपुलेशन धमाधम बढ़ने लगी, विच लेड टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ऐसा कहा जाता है बेसिकली कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का पहला रीजन ये था, बट दूसरा रीजन ये भी था कि पहले हमारे पास हेल्थ फैसिलिटीज नहीं थी, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी, तो जितना जितने लोग पैदा होते थे उतने लोग मर भी जाते थे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज। बट जैसे मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी आ गई, अब लोगों का पैदा होना जारी रहा, मरना खत्म हो गया, क्योंकि भैया इंडिपेंडेंस का वॉर खत्म हो गया, साथ ही में मेडिकल फैसिलिटीज इंप्रूव हो गई, तो डेथ रेशियो बिकॉज ऑफ पुअर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वो कम हो गया, तो उसके कारण पॉपुलेशन आ रहा है बट जाने वाले लोगों का फ्लो कम हो गया, जिसके कारण हमारी इकोनॉमी में गजब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आ गया। बट मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ, यही पॉपुलेशन जिसको 1990-2000 के लगभग इंडिया के लिए कर्ज माना जाता था कि भैया इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है कि इंडिया कभी ग्रो नहीं कर सकती, आज की तारीख में 21st सेंचुरी में ये पॉपुलेशन हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान है। इंडिया इज द यंगेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, सबसे ज्यादा यंगस्टर्स इंडिया में रहते हैं। भैया हिंदुस्तान को प्यार से यंगिस्तान भी कहा जाता है, क्योंकि हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन इज बिटवीन द एज ऑफ 15-55 या 45 के एज ग्रुप के बीच की है, एंड दैट इज द रीजन ये एज ग्रुप इतना ज्यादा रिगरस होता है, इतना ज्यादा मेहनत होता है कि हमारे देश को हम इतना गजब तरीके से ग्रो करवा रहे हैं। तो ये पॉपुलेशन हमारे लिए आज की तारीख में बून बनी हुई है। सो पॉपुलेशन इज गुड इफ यू आर एबल टू टेक एडवांटेज आउट ऑफ इट, राइट इनफ। चलिए अब बात करेंगे पॉपुलेशन के ट्रेंड्स क्या क्या रह चुके हैं उसके बारे में। तो अगर हम देखें पॉपुलेशन के ट्रेंड्स के बारे में, तो सबसे पहले हम समझते हैं साइज ऑफ पॉपुलेशन। इंडिया की टोटल पॉपुलेशन बेसिकली वो होती है जो टोटल इंडिया में कितने लोग रहते हैं। मैंने कहा था लास्ट सेंसस 2011 में हुआ था, तब हमारे एस्टिमेटेड पॉपुलेशन 121 करोड़ थी, उसके बाद में सेंसस नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ कोविड, बट लगभग हमारी पॉपुलेशन 2021-22 के अंदर 150 करोड़ का आंकड़ा आसपास पहुंच गई है। उसके बाद में बात आती है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की। हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बेसिकली किसे कहा जाता है? सो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का मतलब होता है हमारे यहाँ पे हर साल कितने लोग पैदा हो रहे हैं, कितने परसेंट लोग आ रहे हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट निकालने का दो तरीका होता है। पहला होता है ये निकालना कि हमारे यहाँ पे बर्थ रेट कितनी है, दूसरा ये निकालना कि हमारे यहाँ पे डेथ रेट कितनी है। बर्थ रेट और डेथ रेट को हमेशा पर थाउजेंड पे गिना जाता है, ये आगे डिटेल में भी आने वाला है, बट फिलहाल बताते जा रहा हूँ, आगे बढ़ रहे बताते जाता हूँ मैं। सो बर्थ रेट डेथ रेट को 1000 पे निकाला जाता है कि हर 1000 में कितने बच्चे हमारे यहाँ पे पैदा हो रहे हैं। कभी कभार बर्थ रेट को पर वेमेन भी निकाला जाता है, जैसे इंडिया की करंट बर्थ रेट लगभग 2 के आसपास है पर वेमेन, और अगर हम लोग पर थाउजेंड पे देखें तो करंट बर्थ रेट नियर अबाउट 16-17 के आसपास है, कि हर हजार में से हर हजार लोगों के बीच में 16-17 बच्चे लगभग पैदा हो रहे हैं। सो ये हो गई हमारी बर्थ रेट। सो बर्थ रेट माइनस डेथ रेट करके हम निकाल सकते हैं हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, कि हमारी इकोनॉमी में कितनी पॉपुलेशन ग्रो हो रही है। साथ ही में हम ये भी निकालते हैं कि हमारा मेल फीमेल पॉपुलेशन क्या है, इंडिया में मेल फीमेल का रेशियो क्या चल रहा है, जिसे हम लोग हमारा जेंडर रेशियो भी कह सकते हैं। साथ ही में हम निकालते हैं हमारा एज वाइज पॉपुलेशन क्या चल रहा है इंडिया के अंदर। मैंने जैसे कि कहा था इंडिया में मैक्सिमम लोग यंग है, जवान है भैया, बहुत यंग है। उसके बाद में रूरल अर्बन में हमारे कितने लोग हैं, कितने लोग गांव में रहते हैं, कितने लोग शहरों में रहते हैं, वो भी इन चीज़ों के अंदर हम देख सकते हैं। और हमारे देश में आज भी ज़्यादातर लोग गाँव में रहते हैं, इसलिए शहरों में रहने वाली आबादी एज कम्पेयर टू विलेजेस रूरल एरियाज इट्स स्टिल लेस। कमिंग फर्दर नाउ कॉजेज ऑफ रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, क्यों भैया पॉपुलेशन में धमाधम इंक्रीमेंट आ रहा है, वो जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि डेथ रेट क्या होता है और बर्थ रेट क्या होता है। मैंने कहा था डेथ रेट और बर्थ रेट पर थाउजेंड लोगों पे देखी जाती है, पर थाउजेंड पीपल पे इट इज टू बी एस्टिमेटेड। तो अगर हम देखें सो पर थाउजेंड के अंदर देखिए यहाँ पे लिखा है एवरी थाउजेंड पीपल में कितने नए बच्चे बॉर्न हो रहे हैं, दैट इज बेसिकली टर्म्ड एज बर्थ रेट। सेम वे डेथ रेट भी निकाली जाती है, एवरी थाउजेंड में से कितने लोग मर जाते हैं, कितनों की डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, राइट, दैट इज बेसिकली टर्म्ड एज डेथ रेट। तो बर्थ रेट और डेथ रेट के बेसिस पे हम लोग निकाल सकते हैं कि हमारे पॉपुलेशन की क्या क्या ग्रोथ रही है। अब मुद्दे की बात ये आती है, हम सबको पता है कि इंडिया की पॉपुलेशन बर्थ रेट बहुत हाई है
राइट, मैंने कहा था 1.7% लगभग इंडिया की पॉपुलेशन हर साल ग्रो हो रही है। सर ये 1.7 बहुत बड़ा आंकड़ा है अगर देखा जाए तो। अगर हम माने हमारी पॉपुलेशन 150 करोड़ है और अगर हम हमारी पॉपुलेशन हर साल 1.7 या चलो मानो 1.5% से भी बढ़ रही है, तो 150 करोड़ का 1.5% लगभग लगभग 2.25 CR, यानी कि आप ये कह सकते हो कि हर साल हमारे देश में 2 करोड़ 30 लाख लोग लगभग लगभग पैदा हो रहे हैं। हर साल इतने लोग पैदा हो रहे हैं। सो दिस इज बेसिकली अ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, राइट इनफ। चलिए तो मुद्दा समझते हैं भैया क्यों ऐसा है, व्हाट्स द बेसिक कॉजेस ऑफ हाई बर्थ रेट इन आर कंट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं चाहूंगा आप लोग इस पर थोड़ा डिटेल पे ध्यान दें कि व्हाट आर द बेसिक रीजन कि इंडिया में क्यों हाई बर्थ रेट है। चलिए तो इसके कुछ अपने अपने फैक्टर्स हैं, कुछ अपने फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स को बेसिकली हम लोगों ने 3 कैटेगरीज में डाल के रखा है। सबसे पहला हो जाता है सोशल फैक्टर, दूसरा हो जाता है इकोनॉमिक फैक्टर और तीसरा हो जाता है अदर फैक्टर्स। 3 फैक्टर्स है। सबसे पहले बात करते हैं सोशल फैक्टर्स की। यूनिवर्सलिटी ऑफ मैरिज, हमारे यहाँ पे शादी करना एक तरीके से कंपलसरी है। अगर कोई लड़का कंवारा रह जाए तो लोगों को लगता है, सोसाइटी को लगता है इसमें कुछ कमी होगी इसलिए इसकी शादी नहीं हो रही है। तो शादी नहीं करना ऑप्शन नहीं है, या शादी करना ऑप्शन नहीं है, आपको कंपल्सरीली शादी करना ही पड़ता है। दैट इज यूनिवर्सैलिटी ऑफ मैरिज। हर आदमी शादी करता है, हर औरत शादी करती है। इनफैक्ट बच्चा पैदा होते ही माँ बाप उसके शादी के लिए पैसा बचाना चालू कर देते हैं। लड़का हुआ है तो भी पैसा बचाना है, लड़की हुई है तो बचाना ही बचाना है। तो इन एनी केस दे आर श्योर कि बच्चा पैदा हुआ है मतलब वो शादी करेगा ही करेगा। दिस इज द फर्स्ट रीजन कि जब शादी 100% होगी, हर किसी की शादी होगी, तो कॉमन सेंस है कि जब शादियां होगी तो उनके बच्चे होंगे और बच्चे होंगे तो पॉपुलेशन ग्रो होगी ही होगी। दिस इज द फर्स्ट रीजन, दैट इज यूनिवर्सलिटी ऑफ मैरिज। सेकेंड रीजन आ जाता है अर्ली मैरिज एंड विडो रीमैरिजेस। देखिए वैसे तो अच्छी बात है विडो रीमैरिजेस, कोई खराब चीज नहीं है, बट जो भी हो इट लीड्स टू पॉपुलेशन, राइट, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। दूसरा, हमारे देश में अर्ली मैरिज का ट्रेंड बहुत है। देखो हम और आप शहरों में अगर रहते हैं तो हमारे वहाँ पे अर्ली मैरिज का इतना ट्रेंड नहीं है। आज की तारीख में लड़का हो कि लड़की हो 25, 26, 27 साल से पहले शादी नहीं करते हैं। पर अगर हम बात करें गांव की, मैंने आपको कहा है हमारे देश की आज भी ज़्यादातर आबादी गांव में रहती है, तो विलेजेस के अंदर अर्ली मैरिजेस का बहुत ट्रेंड है। 20-21 साल की उम्र में शादियाँ हो ही जाती है। तो जब अर्ली मैरिजेस हो जाएगी तो आपके पास रिप्रोडक्शन का टाइम बहुत ज़्यादा रहता है और वो ज़्यादा समय होने के कारण पॉपुलेशन बढ़ना 100% बनता है। सेकेंड, विडो रीमैरिजेस। विडोज हमें पता है अब वुमेन जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, पहले पहले उनको रीमैरिजेस का राइट नहीं मिलता था सोसाइटी द्वारा, कानून द्वारा नहीं, सोसाइटी अलाउ नहीं करती थी। बट अब लोग समझदार हो गए हैं, पढ़े लिखे हो गए हैं, तो उनके ख्यालात भी थोड़े ओपन और फ्रैंक हो गए हैं। तो आजकल विडो रीमैरिजेस को अच्छा काम माना जाता है, धर्म का काम माना जाता है। तो जब विडो रीमैरिजेस बहुत ईजिली पॉसिबल हो गई है तो उनके कारण फिर से उनका प्रोडक्टिव साइकिल बढ़ जाता है और उसके कारण हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन इंप्रूव इंक्रीमेंट होता रहता है। सो ये हो गया सेकेंड कंडीशन। तीसरा कंडीशन, प्रेफरेंस फॉर अ मेल चाइल्ड। आई डोंट नो व्हाई पीपल हैव दैट प्रेफरेंस। आई हैव अ डॉटर एंड आई एम वेरी हैप्पी विथ हर। भगवान करे मुझे दूसरी भी बेटी ही अगर हो तो। बिकॉज द रीजन बीइंग देयर इज नो लॉजिक ऑफ हैविंग अ मेल चाइल्ड। पहले ऐसे माना जाता था कि आपको अगर लड़का होगा तो ही वो आपको स्वर्ग की सीढ़ी तक लेके जाएगा या आपकी चीता को आग लड़का ही लगाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं होता है, वी ऑल नो। इनफैक्ट टुडेज जनरेशन फादर्स आर मोर कंसर्न दैट दे हैव अ बेबी, राइट। हैविंग अ डॉटर इज वेरी वेरी प्रेशियस टू एवरी स्पेसिफिक फादर। I am damn lucky. I feel like many people like me are damn lucky if they have a daughter at home, right? Because when we go home, जब घर जाते हैं और बेटी को देखते हैं तो लगता है यार ये सब जो ये बेहुदा चीजें सोसाइटी ने बना रखी है वो गलत है। But then too, as I already said you, in people in urban areas are very mature, they are very broad-minded, they are very smart, they are very intellectual. बट गांव में आज भी मेल चाइल्ड का बहुत 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 बड़ा क्रेज है कि वी नीड अ मेल चाइल्ड। अगर किसी फैमिली में पहली लड़की होती है तो माँ बाप दूसरे के लिए ट्राई करते हैं, दूसरी लड़की हुई तो तीसरे के लिए ट्राई करती है, तीसरी लड़की हुई तो चौथे के लिए ट्राई करते हैं। भैया ये खत्म नहीं होती जब तक उनको लड़का नहीं होता। तो उस लड़के का नाम फुल स्टॉप रख देना चाहिए, भैया तेरे आने के बाद तेरे माँ बाप रुके हैं, वरना वो लगे रहते हैं। सो दिस इज अ रॉन्ग थिंग गाइस, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट देन टू वी आर इन अ कंट्री जहाँ पे आज भी बहुत जगह ये होता है, दैट इज अ डिजायर टू हैव अ मेल चाइल्ड एंड दिस डिजायर लीड्स टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन अगेन। एंड द लास्ट वन इज जॉइंट फैमिली सिस्टम। ये तो मैं मानता हूँ यार, ये मैं 100% मानता हूँ। जॉइंट फैमिली सिस्टम मतलब जहाँ पे पूरा परिवार साथ में रहता है। जॉइंट फैमिली सिस्टम में बच्चे कब बड़े हो जाते पता नहीं चलता है।
तो किसी भी कपल को बच्चे करने में जोर नहीं पड़ता, जबकि न्यूक्लियर फैमिली में कपल्स को देखना पड़ता है। जैसे आई हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्रेंड्स जो मुंबई में जॉब करता है, वो मियां बीवी दोनों अकेले रहते हैं, तो उनके लिए बच्चे प्लान करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है कि जॉब से छुट्टी कौन लेगा, कौन कितने बजे घर आएगा, कौन किसको संभालेगा, तुम आओ तो उसको लेते हुए आना, तुम आओ तो उसको छोड़ के आना, आज इसकी तबीयत खराब है तो आज मैं छुट्टी ले लेता हूँ, आज तबीयत खराब है आज तुम छुट्टी ले लो, उनके लिए इतना बड़ा डिस्कशन होता है। बट इन पीपल लाइक अस, वी लिव इन जॉइंट फैमिली, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम सुबह 7 बजे अपना बिस्तर बोरिया लेके निकल जाते हैं काम पे, पीछे दादा दादी चाचा चाची फुआ फूई सब वो लोग संभालते हैं बच्चे। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम भी एक रीजन है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम में बच्चे पैदा करना कोई बड़ा चैलेंजिंग टास्क नहीं होता है, क्योंकि बच्चों को संभालने वाले बहुत हैं घर के अंदर, बच्चे अपने आप खा लेते हैं, अपने आप बड़े हो जाते हैं। दैट्स द रीजन कि इंडिया इज हैविंग गुड अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन, बिकॉज इन इंडिया स्टिल मैनी पीपल बिलीव इन लिविंग इन जॉइंट सिस्टम, जॉइंट फैमिली सिस्टम, और उसके कारण पॉपुलेशन बढ़ने के चांसेस खूब खूब होते हैं। सो दीज आर द रीजंस व्हाई वी हैव हाई बर्थ रेट। फर्स्ट इज सोशल फैक्टर। अब बात करते हैं इकोनॉमिक फैक्टर। लोग ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है, पहले तो भैया वो पढ़े लिखे नहीं होते, दे आर अनएडुकेटेड। अब पढ़ा लिखा आदमी नहीं है तो उसको नहीं पता कि सरकार की क्या योजना चल रही है, उसे नहीं पता फैमिली प्लानिंग क्या होता है, उसे नहीं पता हाउ टू कंट्रोल द बर्थ रेट्स। तो उसके पास कोई भी एडुकेशन ना होने के कारण, अवेयरनेस ना होने के कारण, वो जाने अनजाने में भी पॉपुलेशन बढ़ाता रहता है। सेकेंड केस में लो लेवल ऑफ इनकम। जिन लोगों की इनकम बहुत कम होती है वो ऐसा मानते हैं मोर द मैरियर, या मोर हैंड फेचेस मोर मनी, जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतना पैसा कमा के लाके देंगे तो हम जल्दी पैसे वाले बनेंगे, हम जल्दी गरीबी से बाहर निकलेंगे। बट ऐसा नहीं होता भाई साहब, ये गलत सोच है। जितने बच्चे होंगे उतना वो खाएंगे भी तो सही, उतना उन पे आपको इन्वेस्ट भी तो करना पड़ेगा, बट लोग ये बात नहीं जानते। दैट्स द रीजन कि बिकॉज ऑफ लो लेवल इनकम पीपल फील कि मोर अमाउंट ऑफ किड्स विल गिव मोर अमाउंट ऑफ अर्निंग टू द पेरेंट्स। एंड द लास्ट इज हाई इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। ये आजकल कम हो गया है, पहले हमारे देश इन्फेंट मोर्टालिटी का मतलब होता है 1000 बच्चे जो हमारे देश में पैदा हो रहे हैं उनमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जो 1 साल खत्म करने से पहले गुजर जाते हैं, that is termed as infant mortality rate। हमारे देश में ये आंकड़ा बहुत बड़ा था, 40-50 के आसपास का आंकड़ा था, मतलब हर 1000 में से 40-50 बच्चे गुजर जाते थे 1 साल खत्म करने से पहले, क्योंकि उनको प्रॉपर न्यूट्रिटिव फूड नहीं मिला, मदर को अच्छा खाना नहीं मिला जिसके कारण बच्चे तक नहीं पहुंच पाया वो खाना, बच्चे को अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिल पाई, एंड इन सारे रीजंस के कारण बच्चों की डेथ हो जाती थी। तो पेरेंट्स के मन में एक डर रहता था कि यार एक बच्चा क्या कल को इसको कुछ हो गया था, तो सेफ्टी के नाम पे वो 2-3 कर लेते थे कि चलो कल को एक को कुछ होगा तो बाकी 2 तो हमारे पास रहेंगे। सो दिस बिकॉज ऑफ दिस हाई मोर्टालिटी रेट पीपल हैव अ फियर इन देयर माइंड कि क्या पता 5 साल बाद इसको कोई बीमारी हो गई या इसको कुछ हो गया तो। एंड दैट इज द रीजन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ गुड मेडिकल फैसिलिटी पीपल यूज्ड टू गिव बर्थ टू मोर अमाउंट ऑफ चाइल्ड एज नीडेड। वो एक आध एक्स्ट्रा रखते थे भैया, मतलब जैसे टायर गाड़ी में अपने स्टेफनी रखते हैं ना, एक्स्ट्रा स्टेफनी, एक एक्स्ट्रा एडिशनल टायर डिक्की में रखते हैं, ये वो स्टेफनी वाले सिस्टम हो गई है। बट इफ स्टेफनी के चक्कर में आबादी फटे जा रही है भैया। सो दीज आर द रीजंस व्हाई इकोनॉमिक फैक्टर्स आर देयर। देखो सिंपल सी बात तो यही होनी चाहिए, हम दो हमारे दो ज्यादा हो तो फौज में दो, सिंपल रूल वही होना चाहिए। एंड सून और सूनर और लेटर दिस विल बी अ लॉ इन आर कंट्री, ऑफकोर्स दिस विल बी अ लॉ इन आर कंट्री, और ये लॉ 100% होना चाहिए, क्योंकि अगर ये लॉ नहीं रहेगा तो पॉपुलेशन बहुत बढ़ती रहेगी, और अगर पॉपुलेशन एक लिमिट के बाहर बढ़ जाती है तो उस पॉपुलेशन को कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाता है। साथ ही में अगर ये लॉ नहीं रहेगा तो देयर आर प्रोबेबिलिटीज कि हमारे यहाँ का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो बहुत चेंज हो जाएगा। सो क्योंकि कुछ रीजंस के अंदर आबादी बहुत बढ़ जाएगी, कुछ रीजन में आबादी कंट्रोल रह जाएगी, तो उसके कारण भी बहुत सारे इनबैलेंसेज इकोनॉमी में क्रिएट हो सकते हैं। सो देयर आर पॉसिबिलिटीज दैट अ लॉ विल कम सून रिगार्डिंग दिस पॉपुलेशन, मे बी अ पॉपुलेशन बिल ऑन इट्स वे, राइट। एंड द लास्ट वन अदर फैक्टर्स, high fertility rate and lack of family planning information. High fertility rate means what basically? Fertility rate means a rate at which a female girl or you can say a lady is ready to give a birth to a child. जब एक औरत एक बच्चा पैदा करने लायक उम्र में आ जाती है उसे कहा जाता है fertility rate. So because in India people get married so early at the age of 21, फीमेल्स एट द एज ऑफ 18-19 वो बहुत जल्दी शादियां कर लेती है, तो उनके पास फर्टिलिटी एज बहुत बढ़ जाती है, मतलब बच्चे पैदा करने की टाइम जो होता है वो 30-35 साल तक हो जाता है, तो दे हैव पॉसिबिलिटी ऑफ गिविंग बर्थ टू मोर चाइल्ड्स, एंड दैट इज द रीजन पॉपुलेशन इज मोर। एंड द लास्ट वन लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग इन्फॉर्मेशन, सरकार की जो फैमिली प्लानिंग या फिर
जो फैमिली प्लानिंग की योजनाएं है वो योजना छोटे मोटे गांव तक आज भी नहीं पहुंच पाई है, उन लोगों को आज भी नहीं पता कि स्मॉल फैमिली हैप्पी फैमिली होती है, एंड दैट्स द रीजन वो आज भी पॉपुलेशन में अपना बहुत बड़ा योगदान दिए जा रहे हैं. सो दीज आर सम ऑफ द रीजन व्हाई वी हैव हाई बर्थ रेट. चलिए अब हमारा सेकेंड आ जाता है. चलो भैया बर्थ रेट तो हाई है समझ गए, बट ये बताओ कि डेथ रेट क्यों कम है. राइट, लोग पैदा हो रहे हैं मान लिए, बट पैदा होने के साथ साथ जिनकी डेथ रेट की जो हमारी कैपेसिटी थी, पहले डेथ रेट हुआ करती थी, वो डेथ रेट बहुत कम हो गई है. तो ये डेथ रेट कम होने के रीजंस, सबसे पहला इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों का रहन सहन अच्छा हो गया है, खाना पीना बेहतर हो गया है. देखा जाए तो आजकल शहरों में लोगों का खाना पीना खराब हो रहा है, गाँव में उल्टा खाना पीना बेहतर है, क्योंकि शहर के लोग ये चीज खा खा के पनीर खा के ब्रेड खा के अपने हेल्थ की बैंड बजाए जा रहे हैं. दोस्तों मैं आप सबको एक बात कहना चाहूंगा, कितना भी पैसा कमा लो, कितना भी नॉलेज ले लो, कितना भी ज्ञान तुम उठा लो, बट अगर तुम्हारा हेल्थ तुम्हारे साथ नहीं है, तुम्हारा शरीर तुम्हारे साथ नहीं है, तो वो सब कुछ जीरो है, सब कुछ जीरो है. तो अगर आप में से भी कुछ लोग जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको भी आदत है चिप्स खाने की, कोल्ड ड्रिंक पीने की, या हर चीज में एक्स्ट्रा चीज डलवाने की, रोज बाहर का वड़ा पाव खाने की, या मंचूरियन खाने की, या चाइनीज खाने की, आई विल रिक्वेस्ट यू पीपल, यू हैव टू लर्न your habits of eating. You have to understand that कि आपकी बॉडी आपके लिए एक टेम्पल है. आई अंडरस्टैंड भैया बहुत क्रेविंग होती है, मैं भी बहुत फूडी हुआ करता था, फ्रॉम लास्ट सर्टेन अमाउंट ऑफ मंथ्स में बहुत कंट्रोल्ड पे हूँ, क्योंकि मैं ये जान गया हूँ कि इफ आई वॉन्ट टू एंजॉय द मनी विच आई एम अर्निंग राइट नाउ, इफ आई वॉन्ट टू एंजॉय माई एडल्टहुड या बुढ़ापे को मैं एंजॉय करना चाहता हूँ, एट द एज ऑफ 45-50 व्हेन आई एम गोइंग टू रिटायर, आई एम गोइंग टू हैव माई ओन लाइफ, तो अगर उस टाइम मेरी बॉडी मेरे साथ नहीं रहेगी, मैं हॉस्पिटल में पड़ा रहूंगा, तो वैसा तो भैया हालत खराब हो जाएगी. इसलिए एक बहुत समझदार व्यक्ति ने कहा है, बहुत पढ़े लिखे आदमी ने कहा है कि अगर आज आपने अपने बच्चों को खिलाने वाले फ्रूट के पैसे बचाने की कोशिश की, तो कल उन्हीं पैसों से डॉक्टर अपने बच्चों को फ्रूट खिलाएगा. तो समझ के चलना भैया, खाना पीना अच्छा होना चाहिए, अगर पैसा बचाना है तो दूसरी जगह बचाओ. यहाँ पे हेल्दी फूड खाना, फ्रूट्स खाना, ड्राई फ्रूट्स खाना, जो आपकी फैमिली आपको अच्छा खिला सकती है उसे खाना आपके लिए बहुत जरूरी है. अगर वैसा नहीं हुआ, सो देयर मे बी पॉसिबल कि आप लोग इस कैटेगरी वाले में नहीं है, लो डेथ रेट में आप लोग नहीं है. आई एम नॉट जोकिंग गाइस, यू हैव टू बी सीरियस रिगार्डिंग योर फूडिंग हैबिट्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. सो नो डाउट हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहीं ना कहीं बढ़ा है, जिसके कारण हमारी इकोनॉमी में खान पान थोड़ा बेहतर हुआ है, जिसके कारण डेथ रेट कम हुआ है. नेक्स्ट इज कंट्रोल ओवर एपिडेमिक्स. पहले पहले भैया भूकंप, प्लेग, फिर सूखा, ड्रॉट, फेमाइंस, ये सब का आना बहुत नॉर्मल था. बट बहुत अच्छी बात यह है कि लास्ट गुजरात ने प्लेग फेस किया था शायद 2000 के अंदर लगभग. उसके बाद में गुजरात में कोई बड़ी ऐसी कोई एपिडेमिक नहीं आई है, अदर देन कोरोना वायरस, राइट. उसके सिवा अच्छा चल रहा है. सो ऐसे एपिडेमिक्स ना आने के कारण हमारा डेथ रेट कम रहता है. नेक्स्ट वन कंट्रोल ओवर ड्रॉट. हमारे यहाँ पे बहुत टाइम से ड्रॉट नहीं है, ये ऊपर वाले की मेहरबानी है, वो कंट्रोल होने के कारण भी डेथ रेट कम है. द लास्ट इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट नेचुरल कलामिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज. अब ऐसी चीजें बहुत होती है कि पहली बात तो जो भी नेचुरल कलामिटी होती है, आजकल हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे हम उसको मेजर कर सकते हैं. जैसे कि हमें पहले ही पता चल जाता है कि भाई इस पर्टिकुलर समुद्र किनारे पर सुनामी आने वाली है, सो हम अपनी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ को अपने सरकार को काम पे लगा के वहाँ से सारे लोगों को निकाल के एक सेफ जगह पे शिफ्ट कर देते हैं, जिससे हमने बहुत सारे डेथ नंबर्स को कम करके रखा है. सो दीज आर द रीजंस व्हाई वी हैव लेसर अमाउंट ऑफ डेथ रेट्स. एंड द लास्ट इज व्हाट आर द ग्रेट मेजर्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन. कैसे करें भैया? तो सबसे पहला मास एडुकेशन अवेयरनेस. आप छोटे नहीं हो, आप बहुत बड़े हो. आप अपने चाचा, चाची, भुआ, फूफा, ताऊ, दीदी, बहन, जियाजी सबको आप बता सकते हो. अगर उनके मन में भी ऐसा है कि मुझे मेल चाइल्ड चाहिए, या उनके मन में ऐसा है कि ज्यादा बच्चे होंगे तो हमारे को आगे काम आएंगे, या धर्म को आगे काम आएंगे, या देश का आगे भला होगा, तो ये सब झूठी बातें हैं, कोई मतलब का नहीं है. आपको नहीं पता, आपने औरत को, अगर आपको लग रहा है कि आपकी जो बहन है या आपकी जो बीवी है वो खाली बच्चे पैदा करने के लिए आपके साथ शादी कर रहे हैं, आप उनकी शादी करवा रहे हैं, दैट्स अ रॉन्ग थिंग. ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट. सो ये एजुकेशन या अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि पॉपुलेशन एक लिमिटेड होनी चाहिए.
आपको पॉपुलेशन किसी भी कोई भी नाम से जस्टिफाई नहीं की जा सकती है। ज्यादा बच्चे पैदा करना किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, वरना इस रेस में अगर दुनिया लग गई कि चलो भैया सभी बच्चे पैदा करते हैं, सब देश का भला करेंगे, सब ज्यादा पैसे कमाएंगे, सब अपने धर्म को आगे बढ़ाएंगे, तो फिर तो भैया बच्चे बच्चे हो जाएंगे हर जगह पे। सिर्फ बच्चे पैदा करना टास्क नहीं है, उनको पालना, उनको अच्छी शिक्षा देना, उनको अच्छा घर देना, उनको अच्छी परवरिश देना, ये सब भी आपका काम रहता है। सो एजुकेशन अवेयरनेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, इफेक्टिव फैमिली प्लानिंग। आपका फैमिली प्लानिंग बहुत इफेक्टिव होना चाहिए। तीसरा, सरकार को एज ऑफ मैरिज को बढ़ा देना चाहिए। वैसे तो बढ़ा दिया है, 18 से 21 तक कर दिया है। कुछ लोग का मानना है इसको 21 से 24 भी कर देना चाहिए, मे बी पॉसिबल, आई डोंट माइंड दैट। हमारे में वैसे भी कोई 24 से पहले शादी नहीं करता है। नेक्स्ट इज इंसेंटिव्स एंड डिसेंटिव्स। ये बहुत जल्द आने वाला है, मैंने सुना है, और ये बहुत अच्छी बात है। जिस फैमिली के अंदर लोग कम होंगे, बच्चे कम होंगे, या सरकार को एक रूल बना देना चाहिए, ये गलत बात है यार। जैसे एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ किड्स होना इज एलिजिबल फॉर डिफरेंट अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट योजनाज। अगर आपके दो बच्चे हैं तो आपको ये योजना में भाग लेने को मिलेगा, अगर आपके तीन बच्चे तो आपको इसमें मिलेगा, अगर आपके 10 बच्चे तो आपको इसमें नहीं मिलेगा। वरना दो बच्चे वाले और 10 बच्चे वाले में अगर आप फर्क नहीं करोगे तो कल दो बच्चे वाले भी सोचेंगे क्यों ना हम 10 करें। तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो इंसेंटिव्स होना चाहिए, अगर ज्यादा बच्चे हैं तो आप पे पेनल्टीज या डिसेंटिव्स आपके लिए होना चाहिए कि कुछ सुविधा आपके लिए अवेलेबल नहीं होगी, और जिसके लिमिटेड है, जो सरकार की बात समझ रहे हैं, उनके लिए कुछ इंसेंटिव 100% होने चाहिए। नेक्स्ट वन, एक्सपांशन ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज। हो सके जितना मेडिकल फैसिलिटीज को इम्प्रूव करिए, जिससे कि जो इन्फेंट मोर्टलिटी रेट है वो भैया जीरो हो जानी चाहिए। किसी भी हालत में वो आंकड़ा जीरो होना चाहिए। 1000 में से पैदा होने वाला एक भी बच्चा नहीं जाना चाहिए। आई विश ऐसा एक दिन आए जब ये आंकड़ा एग्जैक्टली जीरो हो जाए। द लास्ट वन, इफेक्टिव हेल्थ सर्विसेज। आपको अपने हेल्थ सर्विसेज को बहुत 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 इंप्रूव करना पड़ेगा। नो डाउट आफ्टर कोविड हमारी सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत अच्छी प्लानिंग करके रखी है। इतने सारे हॉस्पिटल्स बेड्स बने हैं, इतने सारे काम हुए हैं, तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट, राइट। बट तो भी इंडिया की आबादी 150 करोड़ की, उसके सामने जितना किया जाए कम है। हम जब बाहर जाते हैं, हम अपने देश को बाकी देश से कंपेयर करते हैं। जब हम किसी फॉरेन कंट्री में जाते हैं, हम देखते हैं दुबई कितना अच्छा है, हम देखते हैं सिंगापुर कितना बढ़िया है। आप साथ साथ में ये भी कंपेयर कीजिए कि वहाँ की आबादी कितनी है। हमारा देश, हमारी सरकार 150 करोड़ की आबादी को पाल रहा है, उनके लिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहा है, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, तो उनको बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। एक फॉरेन कंट्री में, कैनेडा में 3-4 करोड़ लोग हैं और उनके पास ज़मीन हमसे 2-3 गुना बड़ी है। अब हमसे कई गुना बड़ा जमीन उनके पास और पॉपुलेशन 3-4 करोड़ की पॉपुलेशन उनके पास, तो ऑफ कोर्स दे विल बी हैविंग बेटर फैसिलिटीज एज कंपेयर टू अस। बट हमने 150 करोड़ की आबादी होने के बावजूद इतना बढ़िया काम करके रखा है, दैट इज वर्थ प्रेज टू द गवर्नमेंट, राइट। सो दीज आर द थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप पढ़े लिखे हैं, आपके लिए ये चैप्टर ना ही एग्जाम के लिए बट आगे की जिंदगी के लिए भी जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको अपनी जिंदगी किस तरह से जीनी है। आपकी जिंदगी सोसाइटी, परिवार या कोई भी डिसाइड करना नहीं चाहिए, ये आपका पर्सनल चॉइस, पर्सनल ओपिनियन होनी चाहिए। तो गाइज, दिस वॉज आ चैप्टर पॉपुलेशन। इसके बाद में इस चैप्टर के बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चन बैंक्स है जो हम लोग नोट्स में आपको प्रोवाइड करवाते हैं। ऐसे पूरा क्वेश्चन बैंक रहेगा जिसके अंदर सारे के सारे MCQs आएंगे, जिसके अंदर सारे के सारे 1-line answers आएंगे, 2-line answers आएंगे, 5-line answers आएंगे, उसके अंदर सारे के सारे बड़े बड़े questions भी आपको मिलेंगे। तो ये पूरी की पूरी बुक है जो हम आपके लिए अवेलेबल करवाते हैं हर बार। आप में से जिस किसी को भी नोट्स चाहिए आप हमसे ले सकते हैं, पूछ सकते हैं, मांग सकते हैं, अधिकार जता सकते हैं, पर थोड़ा सा समय जरूर दीजिएगा। नोट्स को आपके पहुँचने में थोड़ा टाइम कभी कभार शायद लग जाएगा। चलिए दोस्तों, तो इसके साथ आज का ये टॉपिक हम खत्म करते हैं। अगले वीडियो में आऊंगा चैप्टर नंबर 6 को लेके, तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो, कमेंट जो भी करते हो सब करते रहिएगा। बाय बाय फॉर द डे, हैव अ नाइस डे।